कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत आमजन को पुलिस व प्रशासन ने जागरूक किया। नीमराणा उपजिला कलेक्टर राम सिंह राजावत ने बताया कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत हमने व्यापारियों व रेडी ठेली लगाने वालों को कोरोना के प्रति सावधानियां बरतने व उसके बचाव हेतु जागरूक अभियान चलाया है और उन्हें समझाया है कि वो मास्क का उपयोग करें और मास्क लगे हुए ग्राहकों को ही सामान दें। कोरोना महामारी से बचाव के उपाय बताए हैं। नीमराणा थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह नाथावत ने बताया कि आज हमने कोरोना महामारी को लेकर आमजन को जागरूक किया है और आमजन को व व्यापारियों को जागरूक करते हुए कहा कि मास्क लगाकर रखे, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करे, खांसी छींक वाले व्यक्ति से दूरी बनाकर रखे, ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। इन सभी बातों के साथ आमजन को कोविड-19 महामारी बचाव करने के लिए आमजन को जागरूक किया। इस दौरान नीमराणा उपजिला कलेक्टर राम सिंह राजावत, तहसीलदार मोनिका शर्मा, डीएसपी लोकेश मीना, थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह नाथावत सहित अनेक पुलिस के जवान व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सर अभी क्या कार्यक्रम हुआ था? अभी हमने नीमराणा के मुख्य बाजार में कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसके तहत लोगों को और दुकानदारों को, ठेले वालों को, सब्जी जो बेचते हैं उनको हमने जागरूक किया है कि वो मास्क का यूज करें और जो भी ग्राहक आता है उसको भी जो मास्क पहन के आता है उसी को वो अपना सामान बेचे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके साथ हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हम साथ साथ अपने जॉइंट जागरूकता का अभियान चलाया है। धन्यवाद सर। आज का कार्यक्रम हमारा था लोगों को कोविड-19 जो महामारी चल रही है उसको लेकर जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयरनेस आए कि इस बीमारी से अपन कैसे बच सकते हैं, क्योंकि ये पूरे विश्व में फैली हुई है। लोगों को ये समझाइश की गई है कि हमेशा मुंह पे मास्क को लगाकर रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं, ज़्यादा नज़दीक से किसी से बात नहीं करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, कभी खांसी या छींक आती है तो हमेशा उससे दूर रहें, अपने पानी में छींकें और ठंडी चीज़ों का सेवन कम करें, बाहर की चीज़ें कम से कम खाएँ, घर का बना खाना ही खाएँ और जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकले। तो लोगों में कम से कम आपस में संपर्क बनाए रखें जिससे लोग अपने जीवन की सुरक्षा कर सकें और सुरक्षित रह सकें। अगर सुरक्षित रहेंगे तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। इसको लेकर आज पुलिस एसपी साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, मैं एसएचओ हूँ, तो आज हमारे ज़िले में हमारे एसपी साहब की तरफ से पूरा सभी थानों में इसका कार्यक्रम रखा गया था। ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा